हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जो जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, अपना वीडियो खुद का वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपका कॉन्टेंट चोरी करता है या फिर आपका कोई भी कॉन्टेंट कॉपी करता है या आपका बनाया हुआ गाना अपने चैनल पर अपलोड करता है, तो आप उसके चैनल पर स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं या उस वीडियो को कैसे डिलीट करवा सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में आज आप लोगों को वही बताऊँगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी आदमी को आप या किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप फेक स्ट्राइक मत दीजिएगा, क्योंकि फेक स्ट्राइक देने से क्या कि आपका कुछ नहीं होगा और जो जिसको आप फेक स्ट्राइक दीजिएगा वो काफ़ी मेहनत करके सब्सक्राइबर्स और व्यूज लाता है। आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ेगा। बट किसी भी चैनल पर फेक स्ट्राइक मत दीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ता है। तो सो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी चैनल पर फेक स्ट्राइक नहीं दीजिएगा। बस आप लोगों को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नॉलेज के लिए, क्योंकि अगर आपका कोई वीडियो कॉपी करता है तो आप उसको दे सकते हैं फेक, उसको दे सकते हैं स्ट्राइक, उसको आप दे सकते हैं स्ट्राइक और उससे आप अपना वीडियो डिलीट करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कैसे किसी भी चैनल पर या किसी भी वीडियो पर स्ट्राइक लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आप लोगों को यहाँ से चलते दिखाते हैं आप लोगों को कि स्ट्राइक कैसे लगाया जाता है किसी के चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले उस वीडियो को ओपन करेंगे जिस पे हमें स्ट्राइक देना है, यानी कि जो मेरा वीडियो को कॉपी करके रखे हुआ है यूट्यूब पे डाले हुआ है, उसको हम स्ट्राइक कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम उस वीडियो को ले लेंगे, उस वीडियो को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। रिपोर्ट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, इतना सारा ऑप्शन आ रहा है। इसमें से आपको करना है इन्फ्रिंग्स माय राइट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें से आपको चूज वन करना है कॉपीराइट इशू है, इस पर हमें कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको कॉपीराइट के यहाँ पे आपको दिखाएगा कॉपीराइट के बारे में कि कॉपीराइट क्या होता है, सबमिट कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट, तो ये सारा यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे सबमिट अ कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू स्टूडियो, तो यहाँ से न्यू पेज ओपन हो गया। तो न्यू पेज ओपन हो गया, आपको इसमें क्या करना है सारा एक एक के स्टेप में आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। एक भी स्टेप मिस्टेक कीजिएगा तो आपको आपका कॉपीराइट नहीं लगेगा, स्ट्राइक आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ किस चैनल से मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ और उसका कॉपीराइट मैच ट्यूल मैच करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो कॉपीराइट का ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ से ओपन करते हैं इसको। तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक भी कॉपीराइट मतलब वीडियो नहीं मैंने किसी को दिया हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया हूँ, तो यहाँ पे अभी एक भी नहीं आएगा, देख सकते हैं नथिंग टू सी इट। अभी हम यहाँ से देंगे स्ट्राइक तो यहाँ पे वीडियो शो हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू फिर से करते हैं। तो यहाँ से हम फिर से कंटिन्यू आपको करके दिखाते हैं क्या करना है। तो यहाँ जो वीडियो है, इस वीडियो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है, यानी हम रिपोर्ट करेंगे इसके वीडियो पे कि ये मेरा वीडियो है इस प्रकार से, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद चूज वन में कॉपीराइट इशू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको कॉपीराइट के यहाँ पे ले आएगा कि किस प्रकार से क्या करना है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको उस वीडियो का लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के लिए आपको यहाँ जो ऊपर दिख रहा है इस पे आना है, कॉपी हो गया लिंक। अब चलते हैं हम अपने यहाँ पे जहाँ से हमको कॉपीराइट देना है स्ट्राइक, तो सबमिट अ कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको ओके कर देना है, कंटिन्यू टू स्टूडियो में करना है। अब आपको यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डाला गया है कि आपको एक साथ कितना वीडियो को रिमूव करवाना है, तो हमें अभी एक ही करना है। तो फर्स्ट वाले में वीडियो रिक्वेस्टेड फॉर रिमूवल, तो यहाँ पे ऐड वीडियो है तो यहाँ पे हम करेंगे ओरिजिनल। आपको यहाँ से वीडियो ही रहने देना है और यहाँ से आपका जो चीज़ है, अगर आपका वीडियो कॉपी किया हुआ है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर आपका सॉन्ग कॉपी है तो वो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपका जो कॉपी किया गया है उसको डालें। और हाँ, फेक स्ट्राइक किसी को नहीं मारिए, क्योंकि फेक स्ट्राइक से बहुत दिक्कत आती है, मतलब चैनल पे चैनल उसका डिलीट हो जाएगा। किसी का भी मेहनत करके बेचारा क्या करता है, सब्सक्राइबर्स पूरा करता है और कोई फेक स्ट्राइक मार के उसको डिलीट करवा देता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी के भी चैनल पर फेक स्ट्राइक नहीं मारे। ये वीडियो मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ये नहीं कि किसी को फेक स्ट्राइक देने के लिए। तो अभी यहाँ पे इंटर अ टाइटल ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग, मतलब ओरिजिनल सॉन्ग है उसका यहाँ पे टाइटल डालना है। तो आपको जो यहाँ पे टाइटल डाला गया वही टाइटल आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब आपसे यहाँ से पूछ रहा है लोकेशन, लोकेशन मतलब वीडियो में कहाँ से कहाँ तक यूज किया गया है। इंटर वीडियो मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो, टाइम स्टैम्प वीडियो मतलब कुछ सेकंड का वीडियो, या फिर डिस्क्रिप्शन आपका कॉपी किया गया है, लिंक टू या फिर आपका कोई लिंक यहाँ से कॉपी किया है, तो हम इंटर वीडियो रहने देंगे और यहाँ से ऐड टू कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये ऐड हो गया वीडियो। अब यहाँ से आता है सबसे सेकेंड वाला, मतलब कॉपीराइट ओनर, मतलब क्या है आपका कंपनी है या आप खुद का आपका चल यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ से वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले माई सेल्फ में आएंगे, माई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट, तो माई सेल्फ ही रहने देंगे क्योंकि ये मेरा पर्सनल है। और रिलेशनशिप टू कॉपीराइट ओनर, तो आपका क्या रिलेशनशिप है मतलब वीडियो से, तो यहाँ पे लिखेंगे My OWN on video, ओके। तो ये हो गया। अब नेम ऑफ कॉपीराइट ओनर, यहाँ पे आप अपना नाम डालिए, जो नाम है वो पूरा। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कीजिए, आपका कौन सा कंट्री है, इंडिया। फ़ोन नंबर आपका यहाँ पे चाहिए तो चाहिए, फ़ोन नंबर यहाँ पे आप अपना ऐड कीजिए, रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ से आपका ईमेल आईडी सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना एड्रेस रहने देंगे, उसके बाद सेकेंडरी ईमेल भी डाल सकते हैं, सीतामढ़ी, और कंट्री काउंटी लिखा है तो इसमें हम इंडिया ही डालेंगे। पिन कोड अपना पिन कोड डाल देंगे और सेकेंडरी ईमेल नहीं डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है, मतलब शेड्यूल सेंड अ 7 days नोटिस, मतलब आप 7 दिन का नोटिस देना चाहते हैं कि 7 दिन में वीडियो डिलीट कर दें नहीं तो आपके ऊपर स्ट्राइक लग जाएगा, आप वैसा करना चाहते हैं या फिर आप यहां से स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मतलब आप जब सेंड कीजिएगा उसी टाइम उसके ऊपर स्ट्राइक लग जाएगा। तो आप दोनों में से जो आपको मर्जी हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस सबको टिक करना है, टिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना फुल नाम लिखिए, यहाँ से आप अपना फुल नाम लिखिए और यहाँ से हो गया। इस पे
तीनों पे टिक रहना चाहिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट कर देंगे। एक बार सारे चीज़ को हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे कि कुछ इसमें छूटा तो नहीं है, अगर छूटा है तो उसको हम डालेंगे फिर से और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से रोबोट का कंफर्म करने के बाद आएगा, उसके बाद यहाँ से आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट होते ही देख सकते हैं आप यहाँ कॉपीराइट वाले में आ गया, ये हमने अभी अभी उसको स्ट्राइक दिया है, इन प्रोसेस प्रोग्रेस में है, मतलब जब ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन चलने लगेगा। अंडर रिव्यू में अभी गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल भी आ गया, YouTube कॉपीराइट कंप्लीट कंप्लेन सबमिशन का। तो दोस्तों आप लोग भी इसी प्रकार से अपने, अगर आपका भी कोई वीडियो कॉपी करता है या अपने चैनल पे डालता है तो आप इस प्रकार से किसी को भी स्ट्राइक दे सकते हैं, या फिर आप उसे 7 डेज का ऑप्शन दे सकते हैं, 7 डेज में वो रिमूव कर लेगा वीडियो को। तो दोस्तों आप लोगों से आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।